हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की एक्सरसाइज 9C। देखिए, अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या बता रखा है कि हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो बेटा आपको यही पता होना चाहिए कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का हम पता कैसे लगाएंगे, कि कौन सी तो हमारी लाइक डेसिमल्स हैं और कौन से हमारे अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो देखिए, हम किस तरीके से चेक करेंगे। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड वाली साइड देखिए, मीन्स डेसिमल पार्ट देखिए, होल पार्ट मत देखिए। देखिए, अगर मैं इसमें डेसिमल के बाद काउंट करूँ तो मेरी ये कितनी डिजिट है, 1 ही डिजिट है। देखिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी मेरी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 1 ही लिख दूंगी। सेम इसी तरीके से बेटा, इसमें भी मेरी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। देखिए, इसी तरीके से इसमें भी मेरी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, 1। मेन हमें डेसिमल के बाद वाला काउंट करना है। देखिए, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, और इसमें भी डेसिमल के बाद मेरी 1 डिजिट थी। मीन्स इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, सारा कुछ सेम है। तो मीन्स ये हमारी किस तरीके की फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी लाइक डेसिमल्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स। इसी तरीके से आगे देखिए, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें डेसिमल के बाद मेरे 1, 2, ये कितने हैं हमारे, 2। और इसमें अगर मैं डेसिमल के बाद देखूं, इसमें है मेरा 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। और इसमें डेसिमल के बाद अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, ये कितने हैं, 3। अगर अब मैं इसमें चेक करूं तो देखो, तीनों अलग अलग हैं, ये 2, ये 1 और ये 3। मीन्स ये किस तरीके के डेसिमल्स हैं, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। अब ये अनलाइक क्यों हुए, क्योंकि ये सारे सेम नहीं हैं। देखो, ये सारे तो डिफरेंट डिफरेंट आए, इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक। और इसमें हमारे सभी के सभी सेम आए तो ये हो गया लाइक। आई होप आपको ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि लाइक डेसिमल कौन से हैं और हमारे अनलाइक डेसिमल्स कौन से हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि अगर हमें अनलाइक दी हो, अनलाइक डेसिमल्स दिए हों और उसे हमें कन्वर्ट करना हो लाइक डेसिमल्स में, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, उसने हमें क्या कहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटू ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। मीन्स मुझे इन्हें किस में बदलना है, इन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में, बिकॉज अभी ये अनलाइक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये अनलाइक किस तरीके से है, तो देखिए, ये जो हमारा होता है इसको तो हम होल पार्ट मानते हैं, और जो इस तरफ होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया, क्योंकि ये डेसिमल के इस तरफ है, ये हमारा हुआ डेसिमल पार्ट। तो मैंने अभी आपको चेक करना बताया था कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सी हमारी लाइक है और कौन सी हमारी अनलाइक है। तो ये डेफिनेटली हमारी अनलाइक है डेसिमल्स हैं, क्योंकि देखिए, इसमें तो डेसिमल के बाद 1 है, 1 डिजिट ही है, और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गए, हमारे अनलाइक डेसिमल हो गए। अब प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन हमें तो इन सबको किस में बदलना है, लाइक फ्रैक्शन में। तो हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम मतलब इसमें देखेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट किसकी हैं, कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ही हैं, क्योंकि इसमें तो 1 ही है डेसिमल के बाद। मीन्स जितनी भी मैक्सिमम होती हैं उतनी ही हमने सबकी बनानी होती हैं, कहने का मेरा मतलब है बेटा। तो देखिए, जैसे मुझे इसको लाइक में बदलना है, तो ये क्या है मेरा 0.4, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.4, और इसके पीछे मैंने लगा दी 0,
कोमा, और इधर तो मैंने ऐसा ही रहने दिया 0.74। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे तो दो डिजिट थी और इसके पीछे वन ही डिजिट थी, तो इक्वल बनाने के लिए मैं क्या लगा सकती हूँ, एक और ज़ीरो। अब देखो इसके बाद भी टू डिजिट हो गई, इसके बाद भी टू डिजिट हो गई, दोनों सेम हो गए ना, क्योंकि मैंने कहा था मैक्सिमम देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थी टू डिजिट, क्योंकि उसके पास तो कम थी, एक ही थी, हमने तो ज़्यादा वाली देखनी थी और ज़्यादा वाली टू डिजिट थी, तो हमें इसकी भी टू बनानी थी, और इसके पास एक ही डिजिट थी, इसकी टू डिजिट बनाने के लिए मैंने इसके पीछे क्या लगा दी, ज़ीरो। अब इसमें भी डेसिमल के बाद टू ज़ीरो हो गई और इसमें भी डेसिमल के बाद टू ज़ीरो हो गई, तो ये मेरी किस में चेंज हो गई, लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। इसी तरीके से आगे देखिए, इसमें तो डेसिमल के बाद 6.45 टू डिजिट है, और इसमें डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है, तो मैक्सिमम तो थ्री है, मीन्स उसकी भी मुझे थ्री बनानी होगी अगर मुझे उसको लाइक में चेंज करना है, तो मैं कर सकती हूँ 6.450, क्योंकि थ्री बनानी थी मुझे, कोमा, और ये तो एज इट इज़ 0.789, यही मेरा आंसर हो गया। क्योंकि देखो अब इसमें भी डेसिमल के बाद थ्री डिजिट आ गई और इसमें भी डेसिमल के बाद थ्री डिजिट आ गई, तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, लाइक में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसी तरीके से ये मुझे दिया हुआ है 15.4, 19.35 और 34.234। अब ज़्यादा देखो, इसमें तो वन ही है डेसिमल के बाद, इसमें टू है और इसमें डेसिमल के बाद थ्री है, मतलब ज़्यादा तो इसके पास है थ्री, मीन्स मुझे सब में क्या क्या कितनी कितनी डिजिट बनानी पड़ेंगी, थ्री थ्री। तो देखिए मैं इसको इजीली कर सकती हूँ किस तरीके से, 15.4। अब मुझे क्या करना है बेटा, थ्री डिजिट होनी चाहिए, तो मैं इसके पीछे टू ज़ीरो लगा दूँगी, कोमा। इसी तरीके से उन्होंने दिया 19. यहाँ मैं लिख दूँगी 350, कोमा। इसी तरीके से बेटा 34.234, क्योंकि इसके पीछे तो है ही थ्री। अब देखो इसमें भी डेसिमल के बाद थ्री हो गई, इसमें भी डेसिमल के बाद थ्री हो गई और इसमें भी डेसिमल के बाद थ्री हो गई, इट मीन्स मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, लाइक में। तो इस तरीके से आप इनको बेटा चेंज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम देखना है किस में ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आगे देखिए आप, 0.925, एक दे रखा है हमें 6.5 और एक दे रखा है 8.01। अब इसमें तो थ्री हैं, इसमें वन है और इसमें टू है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे सब में कितनी कितनी बनानी पड़ेंगी, थ्री थ्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है। तो देखिए ये तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें तो है ही थ्री, ठीक है बेटा, कोमा। आगे 6.5, इसके पीछे कितनी लगानी पड़ेंगी, 20, तभी तो डेसिमल के बाद इसमें भी थ्री डिजिट हुई। और इसी तरीके से 8.010, अब इसमें भी डेसिमल के बाद कितनी हो गई, थ्री हो गई, तो ये मेरी किस में चेंज हो गई बेटा, लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स के अंदर। इसी तरीके से आप आगे देखिए, ये दे रखा है 6.78 और ये 31.714। इसी तरीके से 0.08। अब हमें क्या करना है, हमें इनको भी लाइक में चेंज करना है, सबसे ज़्यादा किस में है, थ्री। तो देखिए बेटा इसमें भी है हमारी सबसे ज़्यादा थ्री, क्योंकि यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, फिर यहाँ पे टू है, तो सबसे ज़्यादा तो थ्री है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देखिए 6.780, थ्री हो गई। इसी तरीके से 31.714, कोमा। अब इसमें क्या करूँगी, 0.080 आंसर। इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे कितनी कितनी बनानी थी, थ्री थ्री बनानी थी लाइक में चेंज करने के लिए। अब सेम हो गया, तो ये हमारी लाइक में चेंज हो गई। आगे देखिए बेटा, एक हमें दे रखा है 9.8, 0.32। इसी तरीके से 51.341, सबसे ज़्यादा इसमें है क्योंकि थ्री है। अब इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए मुझे थ्री थ्री बनाना है, मीन्स
9.8 थ्री डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे 20 लगा दी मैंने। तो इस तरीके से ये मेरा ये हो गया कोमा। अब इसमें भी थ्री बनानी पड़ेंगी, 0.32 टू डिजिट तो है ही, एक और बनाने के लिए 0, उसमें तो ऑलरेडी मेरी थ्री है ही। तो इस तरीके से हम इनको लाइक में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा कि आप अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, अब आगे देखिए बेटा, वो तो था कि आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो लाइक डेसिमल्स में। अब देखिए, हमें डेसिमल्स वाली अगर टू डिजिट्स दे रखी हो और हमें ये पता लगाना हो कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको एक बात जाननी होगी कि जो डेसिमल के इस तरफ वाला पार्ट है, इसको तो हम होल पार्ट मान के चलते हैं, और जो डेसिमल के इस तरफ पार्ट है, इसको हम कौन सा पार्ट मानते हैं, इसको हम डेसिमल पार्ट ही मानते हैं, ठीक है बेटा। और जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहले तो हमें होल पार्ट को चेक करना होता है, अगर उसमें सेम हो तब हम आगे जाते हैं डेसिमल पार्ट को, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए, पहले अगर हमने इसे चेक करना है, पहले तो हम होल पार्ट ही देखेंगे, मतलब डेसिमल के इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ही। देखो इसमें भी 0 है और मेरी इसमें भी 0 है, तो ये तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम हो तब हम डेसिमल पार्ट की तरफ जाएंगे। अब हम डेसिमल पार्ट की तरफ चले जाएंगे, तो अगर हमने देखा कि इधर तो डेसिमल से पहले तो दोनों तरफ 0 था, तो हमें पता नहीं चल पाया कौन सा बड़ा था। अब हम डेसिमल पार्ट की तरफ जाएंगे, डेसिमल में इसके बाद तो 0 है और इसमें डेसिमल के बाद 2 है, मीन्स 0 बड़ा होता है या 2? ऑफ कोर्स आप कहोगे मैम 2, इट मीन्स हमारी कौन से वाला बड़ा है, 0.2। अगर इधर भी सेम होते तो उसके बाद वाला चेक कर लेते, उधर भी सेम होते तो उसके बाद वाला चेक कर लेते, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे इधर देखिए, पहले तो होल पार्टी चेक करना है, इधर भी 0, इधर भी 0, तो सेम है, नहीं पता चल पाया। अब डेसिमल के बाद चेक कर लेंगे, फिर डेसिमल में इधर तो है 7 और इधर है 9, तो हमारा बड़ा कौन सा होता है, 9, इट मीन्स हमारा ये वाला जो है वो बड़ा है बेटा, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन हो गई, इधर भी 0, इधर भी 0, नहीं पता लगा पाए। तो डेसिमल के बाद देख लो, इसमें डेसिमल के बाद 1 है और इसमें डेसिमल के बाद 2 है, तो इट मीन्स मेरा ये क्या है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से। अब इधर अगर मैं देखो, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 1, इधर भी 1, अगर लगाते तो इधर 0 आती, तो इधर भी 0, मीन्स एक तरीके से ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल है, सेम है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारी वैसे 0 थी, आगे देखिए, तो ये दोनों तो सेम है, जब इधर 0 इधर भी 0, इधर 6 इधर भी 6, इधर 1 इधर भी 1, इधर 0 इधर भी 0, तो ये तो दोनों सेम है, तो हमारा इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से आप इधर चेक कीजिए, ये 0 ये 0, कोई बात नहीं, इधर से पता नहीं चला, हम डेसिमल वाले पार्ट से पता लगा लेंगे। इधर 4 है और इधर 7 है, तो हमें पता है 7 बड़ा होता है, इट मीन्स ये वाला जो हमारा है वो ग्रेटर है, उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं जो बड़ा होता है। इधर भी 0 इधर भी 0, अब इधर से तो हमें पता नहीं चल पाया क्योंकि दोनों ही सेम है, तो आगे आ जाएंगे, इधर 2 और इधर 1, ये 2 बड़ा होता है 1 से, इट मीन्स हमारा ये वाला जो है वो बड़ा है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप आगे देखिए, इधर भी 0 इधर भी 0, सेम हो गया, नहीं पता चला, डेसिमल के बाद चेक कर लेंगे, इधर भी 7 इधर भी 7, अभी भी पता नहीं चला क्योंकि दोनों सेम है। आगे चलेंगे, इधर 6 और इधर 8, अब पता चल गया क्योंकि वो 8 है ये 6 है, इट मीन्स ये वाला हमारा ग्रेटर है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये भी 0 ये भी 0, दोनों सेम है हमारे। इसी तरीके से अगर इधर 3 है, फिर वही आ गया हमारा, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो ये मेरा क्या आ गया, इक्वल। उस तरीके से अब देखिए आप, अगर हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा दे रखा है
इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर सिक्स, इधर भी सिक्स, इधर नाइन, इधर भी नाइन, इधर फाइव, और यहाँ पर भी बेटा फाइव आना है, तो इधर भी फाइव। अब ये दोनों क्या हो गए हमारे सेम, तो ये हमारा हो गया इक्वल। कहने का हमारा मतलब है कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले तो आपको होल पार्ट को चेक करना है, अगर वो सेम निकले तो आपको फिर डेसिमल पार्ट की तरफ जाना है। जैसे कि इसमें वन है और इसमें टू है, तो एग्जैक्टली कौन सा हमारा बड़ा है, टू वाला। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें इनको लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करना है और हम इन्हें कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम करेंगे इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए बेटा, जब भी हमें किस चीज़ में चेंज करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमें पता है कि डिसेंडिंग में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना होता है। तो देखिए बेटा, एक इन्होंने हमें दिया हुआ है 0.08। तो देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, इन्हें डिसेंडिंग में चेंज करना है, मतलब कि हमें इन्हें बड़े से छोटा अरेंज करना है। तो देखिए वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले इन्होंने हमें दे रखा है 0.08, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना होता है, देखिए हमने इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं अक्षर, टू है, तो इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा 8/100। इसी तरीके से इसमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर है, टू, तो ये मेरा बन गया 3/100। और इसमें भी टू हैं, ये मेरा बन गया 12/100, लेकिन इसमें एक ही है, तो ये मेरा बना 6/10। ये बना मेरा, हमें ये पता लगाने के लिए, डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको सेम करना होता है। ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, लेकिन ये 100 नहीं है। इसे सेम बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगी, एक जीरो लगानी पड़ेगी, और जितनी जीरो नीचे लगेंगी उतनी जीरो ऊपर भी लगेंगी, मीन्स इसमें एक जीरो फिर ऊपर भी लगेगी। अब हम आसानी से इसमें पता चला लगा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखिए 8, 3, 12 और 60, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 60, इट मीन्स कौन से वाला हमारा सबसे बड़ा है, 0.6। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोमा। उसके बाद 60 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या है, 12, मीन्स 0.12 हम इसको कर सकते हैं, और 12 से थोड़ा सा छोटा है 8, मीन्स 0.08। और सबसे छोटा हमारा कौन सा है इसमें, 0.03। डिसेंडिंग था, हमें बड़े से छोटा लगाना था, तो इस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए, अगर हमने 0.6 दे रखा है बेटा ये, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 6/10, कोमा, ये मेरा क्या बन जाएगा, 39/100, क्योंकि देखो उसमें डेसिमल के बाद दो अक्षर हैं, कोमा। इसी तरीके से इसमें हमारा 28/100 बनेगा ये। इसी तरीके से हमारा 43/100 बनेगा, और इसी तरीके से हमारा 61/100 बनेगा। हमने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, लेकिन ये 10, तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, एक जीरो लगाएंगे, जितनी जीरो नीचे उतनी ही जीरो ऊपर। अब हम इसे अरेंज कर सकते हैं, अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देखिए 60, 39, 28, 43 और 61, एग्जैक्ट तो हमें पता है कि 61 सबसे बड़ा है, तो इट मीन्स 0.61 आ जाएगा सबसे पहले। उससे थोड़ा सा छोटा हमारा 60 वाला है, इट मीन्स 0.6, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, 0.6। उससे थोड़ा सा छोटा हमारा 39 वाला है, मीन्स 39 कहाँ से आ गया, देखिए अभी 43 है ना, तो हमारा ये क्या आएगा, 0.43, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 39 वाला बेटा, तो ये मेरा आ जाएगा 0.3
9 और सबसे छोटा हमारा इसमें कौन सा है 28, तो एक आ जाएगा 0.2828 आंसर। इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे देखिए 0.3, तो पहले तो यही बना लो, ये बनेगा 3.10 क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ये मेरा बनेगा 51/100 क्योंकि 2 डिजिट है। ये मेरा बनेगा 23/100 क्योंकि 2 डिजिट है। और ये मेरा बनेगा 2/10 क्योंकि एक ही डिजिट है, लेकिन डिनोमिनेटर तो सेम बनाने पड़ेंगे हमें। तो एक जीरो यहाँ, जितनी जीरो यहाँ लगेंगी उतनी ही ऊपर, एक यहाँ लग गई। इसका बनाने के लिए एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर, बाकी अब हो गए सेम हमारे डिनोमिनेटर्स। अब हम इसे डिसेंडिंग में लगा देंगे 30, 51, 23, 20, तो सबसे बड़ा तो हमारा हो गया 51। यही हो गया मेरा 51 वाला सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से इसमें अगर हम सोचेंगे तो देखिए, इसमें हमारा सबसे बड़ा 51 है, मीन्स 0.51 वाला, ठीक है। उस तरीके से फिर 51 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या है 30, मीन्स 0.3, और 30 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या है 23, तो 0.23, और सबसे छोटा हमारा है 20, मीन्स 0.2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा। हमें इसमें क्या लगाना था, बड़े से छोटा, क्योंकि हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अब आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग हमें पता है कि हमें छोटे से बड़ा लगाना है, लेकिन प्रोसीजर तो हमारा वही रहने वाला है। तो देखिए, ये मेरा बनेगा 12/100 क्योंकि डेसिमल के बाद दो अक्षर हैं। ये भी मेरा बनेगा 53/100। ये मेरा बनेगा 69/100। ये मेरा बनेगा 23/100। अब देखो, इसमें तो हैं ही सारों के सेम है डिनोमिनेटर्स। अब हमें इन्हें असेंडिंग में लगाना है, मीन्स छोटे से बड़ा लगाना है। अब ये 12 है, ये 53 है, ये 69 है और ये 23 है। सबसे छोटा कौन सा है 12, मीन्स 0.12, कोमा 12 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 23, मीन्स 0.23। थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया 53, यानी कि 0.53, और सबसे बड़ा क्या हो गया 0.69। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस तरीके से हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। आगे देखिए, इसको अगर हमने किया तो ये आया 4/10, इसको करेंगे तो 8/10, इसको करेंगे तो 6/10, ये हमारा 7/10 और ये हमारा 2/10। ये चीज़ दे रखी है, 10 ही है। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2 है, मीन्स 0.2, कोमा उससे थोड़ा सा बड़ा 4, यानी कि 0.4, और 4 से थोड़ा सा बड़ा मेरा आ गया 6, यानी कि 0.6, 6 से थोड़ा सा बड़ा 7, यानी कि 0.7, और उससे सबसे बड़ा इसमें है 0.8। इस तरीके से बेटा हम इनको लगा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई हो। अब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 9C पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, इसको आपको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है, और इसमें आपको कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, और ये आपको डिसेंडिंग असेंडिंग में अरेंज करना है, जो कि मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। सो आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है और अच्छी अच्छी नोटबुक के ऊपर करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।